जननायक जनता पार्टी के नेता और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के जो सुप्रीमो हैं उनके उस पत्र को उफाड़कर कूड़ेदान में फेंका जा चुका है, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि इनेलो और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह चौटाला आज सिरसा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निंदनीय बात है, इसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला कोशिश कर रहे हैं कि उस भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया जा सके जिसको वो लगातार 5 साल तक कोसते रहे हैं और कमेरे और किसान की दुश्मन पार्टी बताते रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को चप्पलों का फोबिया हो गया है, इसलिए वो इस चुनाव निशान जो जननायक जनता पार्टी को मिला है उसके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बताया ये गया कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पद पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा की राजनीति को देखते हुए एक चिट्ठी लिखी, सबने उस पर गौर किया, हमने भी सुनना चाहा कि उस चिट्ठी में क्या है। उनने कहा कि भगवा और हरा एक हो जाए, शायद वो इस बात को आज के दौर में मानते होंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे स्तंभ हैं जो मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियर हैं और उनकी महानता को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मगर मुझे दुख और पीड़ा तब हुई जब बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की चिट्ठी को तो हम कूड़ेदान में फेंक चुके हैं, हमारे आदरणीय हमारे नेता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की चिट्ठी को कोई कूड़ेदान में फेंक दे, फिर मैं तो अगर उनकी जगह होता, अभय सिंह जी की जगह या उनकी पार्टी में जो बैठे लोग हैं उनकी जगह, मैं ये प्रयास करता कि मैं उस पार्टी के स्तर को कूड़ेदान के स्तर तक ले जाऊं और हरियाणा में उस पार्टी का सफाया करूं। मगर कुछ लोगों का जमीर जो है, कुछ लोगों के अंदर जो जिसको कहते थे कि ये पार्टी जाना जाती है अपने कड़े और बड़े फैसलों के लिए, आजकल कुछ कमज़ोर लोग उसको संभाल रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की चिट्ठी तो फाड़ी जाए, कूड़ेदान में फेंकी जाए, और ये अपना प्यार फिर से चिट्ठियां लिख करके उस बीजेपी को भेजना बंद ना करें, ये शर्मसार है, ये निंदनीय है। चप्पल का निशान जो है ये कॉमन मैंस निशान है, आम आदमी से जुड़ा निशान है, चाहे गरीब से गरीब हो और चाहे अमीर से अमीर हो, उसके जीवन का ये जो निशान है ये एक अहम पहलू है। ये सिंप्लिसिटी का निशान है। तमाम मुश्किलात जो आज हरियाणा प्रदेश और कमेरा वर्ग झेल रहा है उसमें ये चप्पल जो है, ये चप्पल पहनकर जब वो निकलेगा तो निश्चित तौर पर वो सारी कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ, वो कांटे, वो पत्थर पीछे रह जाएंगे। ये चौधरी देवीलाल जी के खड़ाऊँ हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की पहचान है, ये उनका आशीर्वाद है। कहने को लोग कुछ भी कहें मगर इसकी चर्चा बहुत हो रही है राजनीति में। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे कि चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, जिस भी चीज़ की चर्चा ज़्यादा होती है वो लोगों की जवाब पर चढ़ जाता है। देवीलाल खड़ाऊ पहनते नहीं थे, खामखा सर्टिफिकेट बांटने की आदत एक आदमी को हरियाणा में हो गई है, और जब वो खुद का सर्टिफिकेट लोगों का लेने जाते हैं तो 3454 वोट मिलते हैं, जमानत भी 6 गुना जब्त होती है। वो कोई ISI का मार्का नहीं है अभय सिंह चौटाला, जिनका सर्टिफिकेट मुझे लेने की, आपको लेने की आवश्यकता है। चौधरी देवीलाल जी की राजनीति की मलकियत जनता के हाथ में, अभय सिंह के हाथ में नहीं है। उनको सोचना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर कई बार वो ऐसी बातें कह देते हैं जिसके कारण लोग हास्यास्पद सी स्थिति में उनको मानने लगते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारा गठबंधन होगा, दूसरे एंड पे ये कहते हैं, 5 साल तक ये कहते रहे कि बीजेपी से बुरी कोई पार्टी नहीं किसान कमेरे के लिए, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। अभी ये कह दिया, कल को कुछ कह दिया, तभी लोग उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस की भविष्य की राजनीति में, जब पढ़े लिखे लोगों का समय है और लोग ऐसे लोगों का नेतृत्व एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनका अच्छा एक्सपोजर हो, जो विजन की बात करें, और वो चप्पल पे अटके हैं। उनको जब सुबह चप्पल पहनते होंगे तो फिर दुष्यंत का फोबिया सताता है,
पहले भी सताता था और आगे भी सताता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहते हैं जूता चप्पल पार्टी है क्योंकि उनकी सोच वहां तक सीमित है। जब भूपेंद्र हुड्डा के गुंडे उन पर प्रहार करते हैं और सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में होता है, उनके लिए चप्पल कांग्रेसियों के लिए सिर्फ वहां तक सीमित है कि वो चप्पल को निकालो और दूसरे के सिर पर मारो। मगर हमारे लिए जो चप्पल है उसके दूसरे मायने हैं। तो ये कांग्रेस का खूनी पंजा जो शायद इस देश को 70 साल तक प्रताड़ित परेशान मायूसियत देता रहा, अब उसका ये समाधान चप्पल है। मगर उसको चप्पल को जो इंटरप्रिटेशन है डॉक्टर अशोक तंवर जी की, उनको सिर्फ फुटबॉल तक नज़र आती है। मेरे हिसाब से उनके सिर से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस डर का फोबिया निकला नहीं है, उनको वो निकाल लेना चाहिए, कुछ लोग और हैं उनको भी निकाल लेना चाहिए। ये चप्पल है, ये बढ़ते हुए कदम है।